हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। में आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड के पकोड़े, जो खाने में एकदम यम्मी और टेस्टी बनेंगे। अभी बच्चों के वेकेशन खुल चुके हैं, तो इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपके मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो आइए देख लेते हैं, इसे बनाने के लिए हमें सामग्री में क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। नई नई रेसिपी के लिए आज ही सब्सक्राइब करें पूजा की देसी गुजराती रेसिपी को, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सारी सामग्री ले ली है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्वाद अनुसार नमक यूज़ करेंगे। आधा चम्मच इतना गरम मसाला पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर मैंने एक चम्मच लिया है, उसे आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक नींबू का जूस और एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट है। दो हरी मिर्ची को कट कर लिया है। हरा धनिया है, दो चम्मच जितने हमने शक्कर ले ली है। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर है, और यहाँ पर हमने एक कटोरी बेसन ले लिया है, जिसका हमें बाद में पेस्ट बनाना है। इसमें हम डिप करके अपने ब्रेड को फ्राई करेंगे। और यहाँ पर हमने कुछ ब्रेड ले ली है, आपको जितने पकोड़े बनाने हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम अपने बेसन का घोल बना लेंगे, और यहाँ पर हमने 500 ग्राम आलू को उबाल लिया है, इस तरह से काट लिया है मैंने छोटे टुकड़ों में। बाद में इसे हम मैश करेंगे। जितने आपको बनानी है ब्रेड के पकौड़े उस हिसाब से आप ले लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पर बेसन का बैटर बनाने के लिए एक कटोरी बेसन ले लिया है हमने। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी चीनी यूज करेंगे, और नींबू का जूस ऐड करेंगे। आपको जितना खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम पानी की मदद से पतला बैटर बना लेंगे। पहले हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि उसमें लम्स ना रहे। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हमें पतला बैटर बनाना है। हमें गाढ़ा बैटर नहीं चाहिए इसमें। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसमें हम पतला बैटर बना लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह का पतला बैटर बनाया है इसमें। हमें बिल्कुल इस तरह की थिकनेस चाहिए हमने बैटर की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से इस तरह का बैटर हमें बनाना है। तब इसे हम ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे बाजू में। अब हम अपने आलू का मसाला बना लेंगे। आलू का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने उबले हुए आलू ले लिए हैं। अब उसमें हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने आलू को उबालने में भी ऐड किया था, इसीलिए हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार चीनी ऐड करेंगे, जितना आपको खट्टा मीठा पसंद हो उस हिसाब से। नींबू का जूस है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच जितना हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। दो हरी मिर्ची को कट करके ले लिया है हमने यहाँ पर। एक चम्मच जितना लाल मिर्ची पाउडर, आप चाहे तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक चम्मच धनिया जीरा पाउडर, हरा धनिया है। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हमने सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने मसाला बना लिया है अपने ब्रेड के लिए। अब यहाँ पर हम ब्रेड ले लेते हैं। ब्रेड के हमें इस तरह से कोने किनारे निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इससे हमारे पकौड़े बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अब उसके ऊपर एक ब्रेड लेकर सॉस लगा देंगे। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी लगा सकते हैं। मेरे बच्चों को तीखा बहुत पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ सॉस लगा रही हूँ। अगर आपको तीखा पसंद हो तो आप ग्रीन चटनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोनों ब्रेड के ऊपर सॉस लगाते हुए उसके ऊपर हम मसाला रख देंगे। एक ब्रेड के ऊपर इस तरह से मसाला स्प्रेड करके दूसरी ब्रेड उसके ऊपर कवर कर देंगे। अच्छी तरह से चारों तरफ से मसाला अच्छे से लगा देंगे। अब उसके ऊपर दूसरी ब्रेड को इस तरह से रख देंगे और थोड़ा इस तरह से दबा देंगे। अब इसे हम बीच में से कट कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे तिकोन सैंडविच की तरह तैयार हो गए हैं। अब इसी तरह से हम सारे ब्रेड में इस तरह से मसाला भर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे ब्रेड में इस तरह से मसाला भर लिया है और सारे पकौड़े अच्छे से बना लिए हैं। अब इसे हम बेसन के बैटर में डिप करके फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने बेसन का बैटर ले लिया है, इस तरह का बैटर है हमारा, बिल्कुल पतला है। अब एक ब्रेड के पकोड़े को लेंगे और इस तरह से डिप करते हुए ज़्यादा बैटर का हो वो निकाल लेंगे एक्स्ट्रा, और इसे हम तेल में फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और मैंने इस तरह से दो पकोड़े को फ्राई करने के लिए रख दिया है। एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम दूसरी साइड पलट देंगे और इसे हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे ताकि हमारे ब्रेड के पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी बने। अब दोनों तरफ से ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम बाद में निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड के पकोड़े दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिस्पी बन चुके हैं। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम सारे पकोड़े को फ्राई कर लेंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे ब्रेड के पकोड़े एकदम तैयार है गर्मा गर्म। इसे मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।